ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग, आयोग अप्रैल के अंतिम भाग में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, कुंभ राशि सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रैल के अंतिम भाग में। जी हाँ, क्योंकि शनि की राशि है, शनि मंगल की युति चल रही थी और इसी राशि पर जब दो आपस में ग्रह, मंगल भी साथ में आके शनि के साथ बैठ गए थे और ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, और अब अप्रैल के अंतिम भाग में आपकी राशि पर जो शनि की राशि है, शनि स्वग्रही है, यहाँ मंगल ने जो उत्पात कर रखा था वो शांति की तरफ जाने वाला है। जी हाँ, शांति की तरफ जाने वाला है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये शांति विशेष तौर पर आपके लिए बड़ी सुकून देने वाली रहेगी। मन में चल रहे अशांत वातावरण को शांत करने की तरफ जाती दिखाई देगी। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है इस समय में। आपकी राशि के द्वितीय भाव धन भाव में शुक्र महाराज आगे निकल जाएंगे, वहाँ से उच्च की स्थिति होकर शुक्र का परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा। बुध जो आपके द्वितीय भाव धन भाव में चल रहे हैं, कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, वो विशेष तौर पर हम परिवर्तित होकर मार्ग जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी होंगे, सही दिशा में जाएंगे, सीधे चलने शुरू करेंगे। और ऐसे में इन सब ग्रहों का योगायोग आपके लिए क्या व्यवस्थाएं उपस्थित करेगा, कहाँ आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी, कहाँ आपको ठीक करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, ये सब सिद्धांत आपको समझ लेना चाहिए। जो विज्ञान के अनुसार से, ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से चीज़ों को समझ लेते हैं, स्थितियों को समझ लेते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य करते हैं, उनके लिए समय हमेशा सुलभ ही रहता है, अच्छा ही रहता है। और नहीं तो ग्रहों के अनुसार से फिर चलती रहती हैं चीज़ें और फिर नुकसान के योग बनते हैं। तो जब ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हम लाभ ले सकते हैं, समझ सकते हैं स्थितियों को, तो कई प्रकार से कई कष्टों को दूर करने का योग भी हम ज्ञान के अनुसार से बना सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों को समझना चाहिए ग्रहों का योग उनके लिए क्या कर रहा है अप्रैल के अंतिम भाग में। 21 अप्रैल से आरंभ करते हैं। देखिए, 21 अप्रैल का दिवस त्रयोदशी तिथि उदया तिथि है, रविवार का अवसर है। कन्या राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। कन्या राशि में चंद्रमा का चलना, आपके छठे भाव में, अष्टम भाव में चंद्रमा का जाना, ये थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा बंधन में डालता है। मन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, हर चीज़ को करने से पहले थोड़ा दिमाग में बंधन उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो मन थोड़ा सा बंधा बंधा सा रहेगा, उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। नए कार्यों को आरंभ करने में थोड़ा संकोच आता दिखाई देगा, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, तिथियां शुभ हैं, प्रदोष का योग है और ये सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। देखिए, चंद्रमा जब कमज़ोर हो ना, तो सबसे पहला क्या करना चाहिए, चंद्रमा को प्रशस्त करने का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा के ईश्वर हैं शिव भगवान और देव योग से सुंदर तरीके से इस दिन प्रदोष का योग है, रवि प्रदोष का योग है। सूर्य परिवर्तित होकर आपकी राशि में उच्च के चल रहे हैं, तृतीय भाव में पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पुरुषार्थ में यदि कार्य करें, आगे बढ़ने का कार्य करें, और लेकिन मन कच्चा हो, जो चंद्रमा की स्थिति दिखा रही है, मन जो काम खुल के नहीं करने दे रहा है, तो वो समस्या का कारण है। तो एक काम कर लीजिए ना, मन को ठीक करने के लिए भगवान शंकर का शाम को प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाए उससे दो घड़ी, यानी करीब करीब जो सूर्य अस्त होने के बाद जो करीब करीब समय हो 40 मिनट का, उसमें भगवान शिव का दूध से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अभिषेक करें। देखिए, चंद्रमा प्रशस्त होगा, सुंदर तरीके से भी चंद्रमा दो दिन रहना है यहाँ पे, और बहुत सुंदर तरीके से आगे आने वाले समय में चंद्रमा बृहस्पति का योग बनने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, तो उसका लाभ चाहते हो तो मन को ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। ये सुंदर उपाय हमने आपको बताया, हींग लगे ना फिटकर डंग चोखा अवश्य होने के योग बनेंगे। बहुत सारे लोग जन्मपत्रियों को देखकर, विषयों को देखकर आपको कई प्रकार के ऐसे उपाय बता देते हैं, खर्चा ये नग पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, और आपको भी पता है कि नग पता नहीं कितने अच्छे होंगे, कितने खराब होंगे, दुकानदारी बनी हुई है। सीधी तरीके से शास्त्र में ज्योतिष के अनुसार से हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी ने इस बात सिद्धांत को समझा, हमने कोई नग नहीं बेचा आज तक। मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा, ज्योतिष के अनुसार से जब मैं बहुत साल वर्ष पूर्व एक चैनल पर कार्य करने मुझे बुलाया गया, तो महाराज बोले आपका तो ज्योतिष वाला वो विषय रखता ही नहीं है, ना नग पहन रखे, ना मालाएं पहन रखी हैं, और आप टीवी पर बैठ के कैसे हम आपको ज्योतिषी पसंद करेंगे। तो हमने कहा, भैया देखो, हम ऐसे ही रहेंगे, ना हम कोई नग पहन रहे, ना कोई माला पहन रहे, आपको बैठाना है बैठाएं, लेकिन उसके बाद देख लीजिए सब बड़े बड़े चैनल्स पर, इंडिया टीवी, जी टीवी, सब रिपब्लिक्स, इन सब चैनलों पर हम लगातार उपस्थित होते हैं, और जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं, आप समझें ज्योतिषी अपने आप को दिखाने के लिए मालाएं और क्या क्या नहीं, तो मुकुट और क्या क्या चीज़ें अपने आप को, लेकिन ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। हमने आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सुंदर छोटे छोटे उपाय बताने का प्रयास किया है,
उसमें फंसे ना, विडंबना में ना फंसे। ये जो उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से बताए हैं, जो मैंने कहा हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा, तो चंद्रमा को प्रशस्त करने का रास्ता हमने आपको बता दिया। प्रदोष का योग देव योग से आया और उस दिन दूध में थोड़े तिल डालकर भगवान का अभिषेक कर लीजिए। सुंदर तरीके से देखिए लाभ के योग बनेंगे। मैं सिद्धांतिक बात हम करने का प्रयास करते हैं। 22 अप्रैल की तिथि चतुर्दशी तिथि है, सोमवार का अवसर है, रवि योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए बहुत सुंदर दिवस है और चंद्रमा थोड़ा शीर्ण है आपका। चंद्रमा को ठीक करने के लिए सोमवार का अवसर है। सुबह सुबह शिव का थोड़ा अभिषेक भी कर लेंगे, ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। देखिए सब सुंदर स्थिति बनेगी, ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होगी, तो ये सुंदर उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 23 अप्रैल का दिवस विशेष परिवर्तन का दिवस है, आनंद का दिवस है आपकी राशि के अनुसार से। तो जी हाँ, एक तो समझ लीजिए तिथि क्या कहती है, पूर्णिमा है, मंगलवार है, मंगल परिवर्तन में जा रहे हैं। मंगल शनि के विशेष प्रभाव से शनि के घर को छोड़कर शांत बनाने के लिए, विश्व को शांत करने के लिए मीन में जा रहे हैं। मीन में जाएंगे सुबह 8:38 पर, साथ साथ सुबह 9:15 पर चंद्रमा भी बृहस्पति के साथ बड़ा सुंदर योग बनाएंगे भाग्य में जाकर आपके आपकी राशि के अनुसार। जी हाँ, कुंभ राशि के अनुसार से भाग्य में जाके बैठ जाएंगे। धर्म में आस्था, विश्वास, मन से मन प्रसन्नता, अच्छे कार्य करने को मन करेगा, धर्म में आस्था रहेगी, मन सरल हो जाएगा, मन बंधन से बाहर आ जाएगा, धन लाभ के योग बन जाएंगे। ये सब स्थिति बहुत बन रही है और दिन भी बड़ा अच्छा है, पुण्य को बढ़ाने वाला। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव माना जाता है कालभेद के अनुसार से। इस दिन आनंद भाव से हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी प्रत्यक्ष है, हमारे शास्त्र के अनुसार कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामा से मार्कंडे च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं, इसमें हनुमान जी भी आते हैं और इस धरा पर स्वयं विराजमान रहेंगे। जब भगवान राम के साथ उनकी जाने की कहा कि राम जी चलें, राम जी जाने का समय आ गया साकेत धाम में, तो हनुमान जी का ना महाराज वहाँ क्या होगा, बोले हम वहाँ विराजमान होंगे। तो हनुमान जी ने कहा जहाँ आपकी कथा होगी मुझे वहीं आनंद आता है। तो इस धरा पर जहाँ जहाँ राम की कथा होती है, जहाँ जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, हनुमान जी स्वयं हर उस कथा में विद्यमान हो। चाहे आप इंडिविजुअल रूप से घर में बैठ के करते हो, चाहे आप सामूहिक रूप से करते हो, वहाँ हनुमान जी का आसन अवश्य देना चाहिए। हमको पहचान नहीं आती है, हनुमान जी आते हैं तो हमने इस शुभ तिथि में आप अवश्य हनुमान जी का नाम लीजिएगा। देखिए ग्रह बड़े अनुकूल हैं, हमने आपको समझाने का प्रयास किया और ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, वहाँ सिद्ध मूर्ति हमारे पिताचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा सिद्ध करके वहाँ प्रतिष्ठित की गई थी और उनका बड़े श्रद्धा के साथ हमने देखा है, कहीं शादी नहीं हो रही होती है, वहाँ आके लोग चोला चढ़ाते हैं और मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। कष्ट मुकदमे चल रहे हैं, शांति नहीं हो रही है, हनुमान जी का पूजन करके उसमें भी निवृत्ति का योग बन जाता है। तो आप भी इस शुभ तिथि पर हनुमान जी के मंदिर में आकर वहाँ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सवा मणि का भोग लगेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, शाम को बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा, हनुमान जी के नाम से यज्ञ रहेगा। इन सब कार्यक्रमों में सुंदर तरीके से आप सम्मिलित हो सकते हैं। फ़ोन नंबर्स दें हैं, विवेकानंद योगाश्रम जमुनापार लक्ष्मी नगर में स्थित है, आप आइए, सादर निमंत्रण है आपको। हनुमान जी को बड़ा विशाल भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहेगा जो शाम को करीब करीब 5 बजे से आरंभ होकर रात में 8-10 बजे तक 11 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। आइए हनुमान जी का स्तवन करेंगे, पूजन करेंगे और कल्याण के योग बनाएंगे। 24 अप्रैल का दिवस आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर है, प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि के साथ बुधवार का योग है और इस दिन भी ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र जो है वो मेष राशि में उच्च राशि से निकलकर मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव में जाने के योग बना रहे हैं। ये आपके लिए नई प्रेरणा देने वाले होंगे, आपके लिए नया शक्ति का संचार करने वाले होंगे। मेष राशि में जाए बृहस्पति के साथ सूर्य के साथ उनका सुंदर योग बनेगा, जब तक उदय रहेंगे ना, अभी कुछ दिन उदय रहने वाले हैं और वो बड़ा सुंदर शक्ति के साथ काम करने वाले हैं और ऐसे में बहुत विशेष तौर पर कई विचारों में, कई चीज़ों में, खोजों में आपका नया विषय में दिमाग चलता दिखाई देगा और वो बुद्धि से आपको लाभ बनती दिखाई देंगे। ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की उपासना कर लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से और आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे। बुधवार का अवसर है, भगवान कृष्ण को भोग लगाएं मक्खन मिश्री का, हनुमान जी का, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को चोला अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, कष्टों से निवृत्ति के योग बनेंगे। वहीं 25 अप्रैल की यदि हम बात करें तो द्वितीय तिथि बृहस्पतिवार का अवसर और चंद्रमा थोड़े से शीर्ण हो जाएंगे। अब वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण होगा, वृश्चिक राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का जो पदार्पण होने का योग बनेगा ये आपके लिए बहुत विशेष तौर पर समझ लीजिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनो में, मन मस्तिष्क में थोड़ा सा आपके लिए काम करने में थोड़ी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। चंद्रमा को ताकत देने की ज़रूरत है, चंद्रमा को ताकत जो विशेष तौर पर मिलेगी वो मिलेगी पुण्य कार्य करने से, दूध का दान करने से। चंद्रमा को विशेष तौर पर हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाने से,
वैसे तिथि अच्छी है, ग्रहों का योग अच्छा है, लेकिन चंद्रमा थोड़े शीर्ण है, इसका उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह परिवर्तन रात को है, दिन में तो गज के स्त्री योग निर्माण है, तो आप आनंद भाव से काम करने का प्रयास कीजिए, सुंदर तरीके से कार्यों में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कल से चंद्रमा थोड़े शीर्ण होंगे, तब उसका उपाय विशेष तौर पर कर लीजिएगा। 26 अप्रैल का दिवस द्वितीया तिथि थोड़ी सी विराजमान रहेगी, शुक्रवार का अवसर रहेगा, और विशेष तौर पर बुध इस दिन मार्गी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन राशि में चलते हुए बुध जो वक्री थे और सूर्य से थोड़े दूर जा रहे थे, अब वापस सूर्य की तरफ आकर्षित होकर उनकी तरफ गतिमान होने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह 5:50 पर ये परिवर्तन का योग बन रहा है, ऐसे में विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है और चंद्रमा थोड़े शीर्ण है, तो थोड़ा गौ सेवा कर लीजिए, थोड़ा गाय को ज्वार खिला दीजिए, और ये गाय का पूजन करने से गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है, इसलिए शुक्रवार के दिन तो अवश्य गौ पूजन, गाय को चारा इत्यादि हरा चारा अवश्य खिलाने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र प्रशस्त होगा, शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से अभी अस्त भी होने जा रहे हैं, और शुक्र के अस्त होने पर कई प्रकार के जीवन में विजय प्राप्त करने में, आनंद प्राप्त करने में कई बार कष्ट होने के योग बन जाते हैं, तो उसका उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। 27 अप्रैल का दिवस तृतीया तिथि शनिवार का अवसर और चतुर्थी का सुंदर व्रत है, गणेश जी का स्तवन करने से सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनेंगे। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में पूर्ण तरह से शक्ति में विराजमान है, उनका और शुभ करने के लिए थोड़ा सा गणेश जी का आशीर्वाद भी मिल जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। विघ्नहर्ता गणेश जी को विशेष तौर पर पूजन करें, उनको मोदक समर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 28 अप्रैल का दिवस चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में है, और इस दिन धनु राशि में चंद्रमा परिवर्तन करके जा रहे हैं, ये गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, बृहस्पति के साथ संबंध चंद्रमा का बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है, एकादश में भाव में चंद्रमा लाभ की सूचना देते आ रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये चंद्रमा यहाँ पहुँचना आपके लिए बहुत कई प्रकार से सुंदर योग बनेगा, इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने के लिए आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र विशेष तौर पर अस्त होने जा रहे हैं, ये समस्या का कारण है, तो शुक्र को थोड़ी शक्ति देने की जरूरत, गौ सेवा कर लीजिए, गाय को पालक खिला दीजिए, गाय का पूजन करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय की सेवा कर लें, थोड़ा सा गाय का सेवा करके शुक्र को थोड़ा शक्ति दोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे लोक योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई दे, धन आगमन की सूचना ग्रह दे ही रहे हैं, आने वाले 2-3 दिन इसी प्रकार के रहेंगे आपके लिए। 29 तारीख का दिन भी सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि, सोम पंचमी का तिथि का योग है, और ग्रह आपके अनुकूल हैं, गज केसरी योग का निर्माण जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं धनागमन की सूचना आपकी राशि के अनुसार से आपको मिलती दिखाई देगी, ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी। ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें, माँ पार्वती जी का सुंदर उपासना करने का प्रयास करें। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन दिनों ग्रह दिखाते हैं कि बृहस्पति को थोड़ी ताकत की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बृहस्पति आगे परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, माँ दुर्गा की उपासना अवश्य करें। इन दिनों खासतौर पर कुंभ राशि वालों के लिए खासतौर पर दुर्गा जी की उपासना, यज्ञ सब प्रकार से कल्याण करने वाला रहेगा। 30 अप्रैल का दिवस षष्ठी तिथि मंगलवार का योग और चंद्रमा का परिवर्तन 12वें भाव में हो रहा है, ये खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा, आपके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। चंद्रमा का 12वें भाव में जाना जुर्माने करने वाला होता है और कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने वाला होता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए थोड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि भद्रा विद्यमान है, सुबह 7 बजे से लेकर करीब करीब शाम को 6 बजे तक ये योग रहेगा, तो आज का दिन नए कार्यों को, सर्वार्थ सिद्ध योग है लेकिन ध्यान रखिएगा भद्रा साथ में विद्यमान है, तो नए बड़े प्रोजेक्ट्स पर हाथ न डालें, वो अच्छा रहेगा। इन राशियों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलते रहते हैं, और वो लोग हमें लगातार अपने हमारे YouTube चैनल पर प्रश्न भी करते हैं कि राशि कौन सी समझें। देखिए, राशि कई प्रकार की होती हैं, जन्म राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, सूर्य राशि, और हर राशि का अपना एक प्रभाव है। हम आपकी राशि के अनुसार से यहाँ जन्मपत्री या जो पूरी हॉरोस्कोप को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, जितना परसेंट जिस राशि का प्रभाव है उतना परसेंट। पहले सबसे पहले जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कौन सी राशि आपके लिए प्रभावी है। आमतौर पर जो ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि जब जन्म नाम जो होना चाहिए वो जन्म राशि के अनुसार से होना चाहिए, जन्म का एक अक्षर निकलता है वो राशि के अनुसार से होता है, लेकिन आमतौर पर संसार में लोग जो हैं उस राशि से, उस अक्षर से नाम रखते नहीं हैं। आप अपने जन्म नाम रख लेते हैं फिर उसका एक प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए वो नाम राशि बदल जाती है आमतौर पर, लेकिन उसका प्रभाव है। तो इसलिए आप जब आप जन्मपत्री, हम आप स्वयं ज्योतिषी बनने का प्रयास करते हैं, राशि को फल सुनते हैं, तो आप सोचें जितना जितना जिस परसेंटेज राशि का उपयोग हो रहा है, कौन सी प्रभावी है, उसका उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जन्मपत्री में और बहुत सारे विषय होते हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों की जन्म की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी ताकत में है, आपका जन्म जो हुआ है कितने राशि के अनुसार से, जन्मपत्री के हिसाब से किस लेवल पर है,
व्यक्ति पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, सौवीं मंजिल पर है, उसके आधार से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जन्मपत्री का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके ज्योतिषी जो होते हैं वो सब व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम गोचर का प्रभाव आपको जन्म राशि, लग्न राशि के अनुसार से, नाम राशि के अनुसार से हर तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा योग विवेकानंद योग आश्रम है, बहुत सारे पराविद्याओं के क्षेत्र में लगातार कार्य कर ही रहा है, हम आपको लगातार इस सब संबंध में अवगत करा सकते हैं, कराते ही रहते हैं। और इस बार तो बहुत सुंदर तरीके से जो हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है उसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। नित्यपति आश्रम में 8 घंटे करीब यज्ञ ही रहता है और आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रीय उपायों को उसका वृहद वर्णन शास्त्र में जो वर्णित है उसके अनुसार ही हम जन्मपत्री को एनालाइज करके बताते हैं। मंत्र अद्भुत हैं, यज्ञ विज्ञान अद्भुत है और हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से अनेक उपायों को करने से कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भार के कारण ही आते हैं और जो भार बनता है वो हमारे किए गए कर्मों से होता है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ पुण्य उदय होंगे, अशुभ कर्म यदि हमारे द्वारा हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को उदय करेंगे। उन कष्टों को ठीक करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, मंत्र जप, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सब उपायों को करकर इन कष्ट का और जो जो पाप पुण्य जो है उनका अकाउंट घटा बढ़ा सकते हैं और उनके घटने बढ़ने से समझिए आपके जीवन में पुण्यों का उदय होने से कष्टों से निवृत्ति प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है, तो इसको समझने के लिए हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे कार्य करके आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं और जीवन के कष्ट, जब कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में बहुत बढ़िया पुण्य भरे हुए हैं तो आपके द्वारा यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी काम अच्छे करते रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन में कष्ट का समझ में नहीं आता है, लेकिन जब पुण्य कम हो जाते हैं अकाउंट में तब छोटा सा कष्ट भार आया जीवन में और वो भयानक कष्ट दे देता है और भयानक दुख उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो जब दुख आ रहा है तो समझ लीजिए पुण्य को बढ़ाने का समय है, पुण्य को अहर्निश जीवन में शुभ कार्य, हमसे पुण्य होते कम हैं, हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य हो जाता है, चल रहे हैं रास्ते में कहीं कोई जीव हत्या हो गई, चींटी मर गई, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है, पुण्य को घटा रहा है। तो समझ लीजिए तो हमको उन पुण्यों को यथा हम जीवन में यदि सोचें शुभ कार्य कितने होते हैं, सुबह शाम तक यदि आप विचिंतन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ ही लगेगा, और जहां अगर नेगेटिव काम जो हुए हैं उनको सुनने देखने का प्रयास करोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपके द्वारा अहित का कार्य हुआ, कितनी बार किसी व्यक्ति को दुख लगा, कितनी बार मुख से अपशब्द निकला, ये सब क्या कर रहा है, ये पुण्यों को क्षय कर रहा है। पुण्य बढ़ेंगे कैसे, किसी की सेवा करने से, धर्मात्मा काम करने से, अच्छे कार्य करने से, किसी को भोजन करा देने से, आशीर्वाद ले लेने से, कितनों का आशीर्वाद लेते हैं आजकल तो लोग ऐसे हैं कि झुकने में भी लोगों को शर्म आती है, डर लगता है छोड़ो ना क्या सम्मान करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडवों के साथ क्या था, कोई सेना नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन पुण्य थे, सत्य था, आशीर्वाद था। दुर्योधन इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, उसके बाद एक ही चीज़ नहीं थी, केवल आशीर्वाद। यदि आशीर्वाद ले लेते हैं ना तो आप समझें तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे और पुण्य आशीर्वाद को लेने का प्रयास करें, देखिए शुभ होने के योग बनेंगे। यही सुंदर सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान को समझने के। ये ज्योतिष के साथ साथ जो ज्योतिष अकाउंट बताता है आपको अकाउंट में कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, और बढ़ाने का जो तरीका है, घटाने का तरीका जो है, अध्यात्म आपको समझाने का प्रयास करता है। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, शोध के लिए बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता ही है, रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित सब लोग हो सकते हैं। रविवार वाले यज्ञ में मंत्र यज्ञ के लिए, ग्रहों के उपचार के लिए, अपने बहुत सारे स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं आश्रम में बनाई गई हैं, बहुत सारे शोध किए गए हैं मुद्रा विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, औषधि विज्ञान पर, इन सब में लिए हमारे लिए बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के लिए, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तमाम सरकारी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस के पैनल पे हैं, वो सब इस सुविधा को योग प्राकृतिक चिकित्सा में के द्वारा आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं और हमने अद्भुत रूप से लाभ देखा है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में जीवन लोगों को निकल जाता है, चाहे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, बैकएक,
हमने योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं अपने संस्थान में रखी हैं कि आप उन समस्त सुविधाओं को लेकर अपने तमाम रोगों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनका सब वैज्ञानिक आधार है। पूरे विश्व में आज लोग योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बाकी जो चीज़ें जो इस संसार में आधुनिकता के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसके साथ साथ इन भारतीय प्राचीन योग विज्ञान आयुर्वेद विज्ञान चिकित्सा विज्ञान के साथ लीजिए। हमारे पास डाटा ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं और हमने जो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा है वो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। आप समझे मुद्रा विज्ञान, मैं आपको यहाँ एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। हृदय संबंधित रोग पूरे विश्व में आज परेशान कर रखा है। हर कोई गोली खाकर ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये मृत संजीवनी मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा का अभ्यास हज़ारों लोगों पर करके देखा। बहुत पिछले करीब करीब 50 सालों में इस मुद्रा आज से 1978 में मेरे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी ने इस मुद्रा की खोज करी। उससे पहले शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं थी ये हृदय की मृत संजीवनी मुद्रा और हमने इसका लाभ देखा। अद्भुत है। 3 सेकंड में दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट टू द हार्ट पेशेंट। आप सॉबिटेड टैबलेट लेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले सॉबिटेड टैबलेट मना नहीं कर रहे हैं, आप जो लेना चाहते हैं मेडिसिन लें, लेकिन उससे पहले ये एक मुद्रा कुछ देर अभ्यास तो करें। कुछ ही देर में आपके हाथ को साउंड कर ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी और सुंदर तरीके से लाभ देगी। इसके ऊपर बहुत सारी और पुस्तकें विद्यमान हैं और पुस्तकों के माध्यम से हमने बहुत सारे उपचार के माध्यम बताए हैं इन समस्त पुस्तकों में। कान में दर्द चल रहा है, ये शून्य मुद्रा करके देखिए। 3 मिनट में कान का दर्द, कान की होने वाली समस्याएं दूर करने में लाभ देगी। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं। बच्चों को याद नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रोज गोली खाते हैं, कुछ ध्यान योग का सहारा लीजिए प्लस ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे आश्रम के द्वारा ही पूरे विश्व में मुद्राएं पहुंचाई गई मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई आश्रम में इन सब चीज़ों के ऊपर और पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे आश्रम के शोध के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आचार्य केशव देव जी का नाम डालें, मुद्राओं का नाम डालें, आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्राप्त होगी और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्ति करने की योग बनेगी। तो हम ये समझाएं कि ज्योतिष अध्यात्म मंत्र विज्ञान ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब का सब एक साथ चलता है और हमने इन तमाम पराविद्याओं पर शोध भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे इस आश्रम में पिछले 50 सालों से ये कार्य किए गए हैं। आप जुड़े विवेकानंद योग आश्रम से, आपका स्वागत रहेगा। हमारे जो संतान जो कार्यक्रम चलते हैं उन सब के बारे में आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो भी आपकी और भी कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप भेजें, अपने हमारे इस चैनल पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, हम अवश्य उनका जो भी निदान होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।